La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kisne chamakta din hai basharat suhani, kisne di koi bata de darya ko aisi rawani, kisne di nanne munne paudon ko gulshan mein jawani, kisne di jo yakta hai kudrat mein.
नौकरी आता दे दर्दी, नौकरी आता दे दर्दी, नौकरी आता दे दर्दी, दो जगह दर ताड़े दिए, हाँ दो जगह दर ताड़े दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी
सुनाया जाता आज के दौर के लोगों को सुनाया
तो फिर दया कल्बी भी कह रहे नाम लेते ही इनका
परी हो गए, हम गुनाहगार भी जन्नती हो गए। हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने से पहले मेरे अका करीम की नजरे इनायत पड़ गई, आपने देख के इरशाद फरमाया, अकरमा इतनी खूबसूरत शक्ल जहन्नम में जाती हुई अच्छी नहीं लगती। तो अर्ज करते वो भाग गए, कहते मैं जहन्नम में जाऊं या जन्नत में जाऊं, मैंने ईमान नहीं लाना। वो भाग गए, ऊंटनी पे बैठे उसने पटक दिया, घोड़ी पे बैठ के शहर छोड़ना चाह घोड़ी ने उलट दिया, कश्ती पे बैठे कश्ती ने पलट दिया। तो रात की तारीकी में जख्मी हालत में अपनी बीवी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे हजूर करीम की बारगाह में ले जाओ, हजूर से माफी ले दो। जब हजूर की बारगाह में पेश हुए तो अर्ज की, या रसूलल्लाह माफ फरमा दे। आपने फरमाया कलमा कलमा पढ़ ले, ईमान ले आ। वो अर्ज करते या रसूलल्लाह कलमा तो पढ़ लूंगा लेकिन मैंने आपके एक सहाबी को शहीद किया है, या रसूलल्लाह मैंने अपने बाप के साथ मिलके आपको सताया है, आपकी राह में रुकावटें डाली हैं। आपने शान फरमाया कर्मा तू कर्मा पढ़, तू मेरा नाम ले, अल्लाह बड़ा करीम है सारे माफ कर देगा। तो अकरमा भी कह रहे नाम लेते ही इनका बरी हो गए, हम गुनाहगार भी जन्नती हो गए। तो एक हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में एक बंदा था, उसके गुनाह ही गुनाह थे। एक दिन वो मर गया तो लोगों को बड़ा गुस्सा, उसकी टांग में रस्सी डाली और कहा इसे सारे शहर में घसीटो ताकि हमें कुछ ठंड पड़े, इसने हमें बहुत सताया है, बड़े जुल्म किए हैं। तो जब वो मर गया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ प्यारे मूसा, वो मेरा बच्चा हुआ बंदा रूढ़ी में पड़ा है, उसे उठाओ, उसे कफन दो, गुसल दो और ऐलान कर दो जो इसका जनाजा पड़ेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान है, खैर ऐलान कर दिया, जनाजा पढ़ा दिया, हर चीज करके अर्ज की या अल्लाह ये बंदा तो बड़ा ही गुनाहगार है। आपने इरशाद फरमाया हाँ मूसा तेरी शरीयत के मुताबिक इसका कोई अमल नेक नहीं है लेकिन मुझे एक अपना लिहाज है, मुझे एक अपना लिहाज है, या अल्लाह ता फरमा। फरमाया एक दिन इसने तौरात खोली, उसमें नाते मुस्तफा लिखी हुई थी, इसने अदब से नाम मोहम्मद पे घोसा दे दिया, मैंने इसे बख्श दिया, अब अल्लाह माफ कर रहा है। हाँ जी अल्लाह ताला इरशाद भी फरमाता है मैं जरे जरे का हिसाब लूंगा, हाँ हिसाब लेगा अल्लाह जरूर लेगा। हदीस मुबारक है कि काफिरों के गुनाह मोमिनों को दे दिए जाएंगे और मोमिनों के गुनाह काफिरों को दे दिए जाएंगे, ऐसे अल्लाह हिसाब करेगा। तो सारे के सारे उसके गुनाह अल्लाह ने बख्श दिए, अब अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है, तो उसके सारे गुनाह माफ हो गए। वो बंदा भी कह रहा है नाम लेते ही इनका बरी हो गए, हम गुनाहगार भी जन्नती हो गए। अगर नूह अलैहि सलाम हुक्म हुआ कह प्यारे नूह कश्ती बनाओ और जो भी सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा, 80 बंदे सवार हो गए नूह अलैहि सलाम समेत, तो जब तूफान अपने अरूज में आ गया कश्ती डोलने हिचकोले खाने लगी तो बंदे अर्ज करते हैं ऐ प्यारे नूह अलैहि सलाम डूब वो बंदे भी गए हैं, डूब हमने भी जाना है। तो उन्होंने अर्ज की या अल्लाह तेरा तो वादा है कि तू कश्ती को खैरियत से पार लगाएगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे नूह अभी कश्ती के माथे पे लफ्ज़े मोहम्मद लिख, जो ही उन्होंने लफ्ज़े मोहम्मद लिखा कश्ती को करार आ गया और खैर सलामती के साथ पार हो गए। तो नूह अलैहिस्सलाम भी अर्ज कर रहे नाम लेते ही इनका बरी हो गए, हम गुनाहगार भी जन्नती हो गए। आज जो भी बंदा अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखेगा, जो ही बंदा नाम रखता है उसी लम्हे बाप और बेटा दोनों बख्शे जाएंगे। तो वो भी कह रहे नाम लेते ही इनका बरी हो गए, हम गुनाहगार भी जन्नती। हशर के दिन अल्लाह ताला मनादी कराएगा, अल्लाह ताला के फरिश्ते ने फरमाया मनादी करो कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है वो भी इसे जन्नत में चला जाए। तो इसमें मेरे करीम आका ने एक शेर अता फरमाया हमें कि जिसका नाम मोहम्मद है वो जन्नत में चला जाए, खुदा ने खुद ये फरमाया है मोहम्मद नाम ऐसा है। तो हजरात ये मेरे आका के नाम अक्दस का करम है। अब इसमें दो तीन चीजों की वजाहत कर दूं कि कलमा पढ़ा और जन्नती हो गए। कलमे में ईमान शर्त है, अगर सुल्तान फरमाते हैं जुबानी कलमा हर कोई पढ़ता
ओ दिल दा पढ़दा कोई हो, ओ दिल दा पढ़ने से क्या मुराद है? हाँ के माने के मेरे अल्लाह ताला के ये नबी अल्लाह ताला ने हर अजमत और शान अता फरमाई हुई है। अगर कलमा पढ़ गई तो यही फंसा रहा के नहीं वो पता नहीं क्या है, कहीं जा सकते हैं नहीं, मुख्तार है नहीं है, शफी है नहीं है, अगर तू तो इन चीजों में ही फंसा हुआ है तो अभी तो तेरा कलमा ही कबूल नहीं। हाँ जी, ये कलमे की वजाहत है। आप दोस्तों से गुजारिश है अगर कोई जेन में सवाल हो ना तो अभी से कर ले ताकि मेरी भी सलाह हो जाए और दोस्तों की भी सलाह हो जाए। कलमे से, कलमा पढ़ने से मुराद है हुजूर करीम ने उस बंदे की जिम्मेदारी उठाई है जिस पर आपकी नजर नबूवत ने देखा है कि हाँ ये ईमान पे सलामत रहेगा। ऐसे तो आज जो है कादियानी भी कहते हैं कि हम कलमा गो है, वो दावा करते हैं, अहले हदीस भी दावा करते हैं और बाकी अहले सुन्नत व जमात भी दावेदार हैं, बाकी सारे जितने 73 फिरके होंगे वो सारे के सारे कलमा गो होंगे। लेकिन क्या बात है जो एक बंदे को जन्नत में लेके जा रही है, एक बंदे को जहन्नम में लेके जा रही है? वो मेरे नबी की ज़ाते गिरामी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ने हर एक अजमत हुजूर को अता फरमाई है। अगर आपके दिल में ये बात है, आप इस बात को तस्लीम करते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने कलमा पढ़ा है लेकिन हुजूर को इसमें गैब नहीं, फिर जरा अपने अकीदे की सलाह करें। फिर दूसरा, हजरत दया कल भी उन्हें इरशाद हुआ कलमा पढ़ ले, उनसे भी यही मुराद है कि मुझे मान ले। हजूर करीम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे महबूब, जो मुझे अकेला इबादत के लायक माने और तुझे मोहम्मद माने मैं उसे जन्नत अता कर दूंगा। मोहम्मद का मानने से क्या मतलब है कि हर तारीफ किया हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला ने अजरए मेहरबानी तमाम खूबियां मेरे नबी को अता फरमाई है। अगर तो ये बंदा हुजूर की अजमत मानता है तो जन्नती है, अगर नहीं मानता तो अपने अकीदे की इस्लाह करे। अल्लाह ताला हमें हुजूर का नाम लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए। तो ये बख्शिश हुजूर के नाम के सदके से ही है। तो अगर वो एक पंजाबी में मास्टर साहब मिसाल है, क्या करते हांडी का मुंह खुला हुए थे या करना चाहिए, जे अगर हुजूर के नाम से बख्शिश हो रही है तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे गुनाहों से बचने की, हुजूर की शरीयत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। और सुनाओ या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावात अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की नजदीक शुमार जितना दरख्तों के पत्ते पानी के कत्ते ने तरे ने जितना तेरा फजल है जितनी तेरी रहमत है औला यसल्ले वसल्ले दायमन अबदा अबदा कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।
दिवाली में तो है नहीं है। ग्यारह से ग्यारह बजे ग्यारह देखा।